हेलो गाइस वेलकम टू कॉलेज शूटर तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंपनी लॉ के साथ कंपनी लॉ के पिछली वीडियोस में मैं कंपनी लॉ के में बात कर चुका हूँ कि लाइक कंपनी क्या होती है कंपनी के क्या काइम्स है देन हम लोगों ने देखा था कंपनी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन क्या है प्रोस्पेक्टर्स क्या होते हैं देन फर्दर हम लोग मूव करें टू शेयर शेयर कैपिटल देखा लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था अबाउट मेम्बर्स आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट डायरेक्टर के डायरेक्टर कौन होता है डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कहाँ से आता है डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंड देन ए क्लास की डायरेक्टर्स की क्या क्या पावर होती है ये वाली जो वीडियो है ये इस यूनिट की लास्ट वीडियो है इस यूनिट के बाद आपके जितने भी बेसिक्स हैं वो तो मैं ऑलरेडी करवा ही चुका था उसके अलावा मेंबर्स एंड डायरेक्टर वाला भी पार्ट आज कंपनी लॉ का फिनिश हो जाएगा इसके बाद आगे की वीडियोस में हम बोरोइंग्स वगैरह की बात करेंगे वो हम आगे देखेंगे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर अब देखो क्वालिफ़िकेशन ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है कि लाइक डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अगेन ये हम लोगों का कंपनी लॉ से आता है कुछ तो नेचुरल सी चीज़ें ही आ जाती है कि लाइक वो तो होना है कि डायरेक्टर के लिए एक नेचुरल बंदा होना जरूरी है वो तो हो होगा ही होगा कोई आर्टिफिशियल बंदे को तो हम डायरेक्टर बना नहीं सकते क्योंकि कंपनी पहले ही आर्टिफिशियल है एंड डायरेक्टर एक तरीके का वो इंडिविजुअल है जो कंपनी को मैनेज करता है रेगुलेट करता है उसकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है तो सबसे पहले एक नेचुरल बंदा होना ज़रूरी है देन उसकी लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए मेज नहीं होना चाहिए अठारह साल की उम्र होनी चाहिए साउंड माउंड माइंड का होना चाहिए मेंटली फ़िट होना चाहिए ये सारी चीज़ें फ़िज़िकली फ़िट से मतलब होता है कि लाइक ऐसे कोई कोमा वगैरह में पड़ा हो तो उसको उठा के आप लोग डायरेक्टर नहीं बना सकते आ, उसके अलावा ये सारी चीज़ें उसके साथ पिछले तीन चार साल में नहीं कि लाइक कोई भी चार्जेस उसके ऊपर ना हो आ, यहाँ पे मैं बात करूँगा रिलेटेड टू कंपनी ओंग चार्जेस क्रिमिनल ऑफेंसेस जैसे कि फ्रॉड वगैरह ना के उसके ऊपर चार्जेस ना हो जैसे कि इस समय अनिल अंबानी को या आप देखें तो विजय माल्या को हटाया हुआ है इंडिया में कहीं पे भी उनको अभी कंपनी वगैरह के डायरेक्टर वो नहीं बन सकते बिकॉज उनके ऊपर फ्रॉड्स वगैरह के केसेस चल रहे हैं ललित मोदी के ऊपर केसेस चल रहे हैं तो वो सारी चीज़ें एक एक करके मैंने पॉइंट लिखे हुए आप लोग इसको डिटेल में भी लिख सकते हो क्वालिफ़िकेशन के बाद आता है अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट हमारा सेक्शन 152 फिफ्टी एक्ट में बताया गया कि कैसे अपॉइंट किया जा सकता है डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ऑलरेडी जब भी कंपनी बन रही होती है तो जो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें ऑलरेडी बता दिया जाता है कि डायरेक्टर कौन अपॉइंट हो रहे हैं कि लाइक जिसके कितने शेयर होल्डर्स है कैसे अपॉइंट किया गया कि जैसे कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में जनरली क्या होता है कि लाइक जो कंपनी को इनकोपरेट कर रहा होता है ना वो खुद को ही डायरेक्टर बना लेते हैं मेजर शेयर्स अपने नाम कर कर बट यहाँ पे हम दोनों की बात करेंगे कि पब्लिक कंपनी में क्या हो रहा है प्राइवेट कंपनी में क्या हो रहा है अगर इसको थोड़ा और अच्छे से करें तो एंड इंडिविजुअल हु इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हु अलॉन्ग विद अदर डायरेक्टर्स आज द रिस्पॉन्सिबिलिटी for determining and implementing the policies of the company again easy explained hai khud iske alawa uh, agar hum log public company ki baat karenge to public company mein 2/3 directors shareholder appoint karte hain 1/3 uske memorandum of association ke through aa sakta hai और in case ना आ रहा हो तो ये फर्दर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करे जा सकते हैं जबकि प्राइवेट कंपनी में क्या होता है जो ऑलरेडी मेरा मेमोरेंडम है या आर्टिकल्स है वो ऑलरेडी बता देंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे होना है क्योंकि प्राइवेट में क्या है कि उस इंडिविजुअल का जिसके पास शेयर ज्यादा है वही कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर पब्लिक ऑफरिंग्स है ही नहीं इतने ज़्यादा मेम्बर्स होंगे ही नहीं तो वो आराम से हो जाता है उसके अलावा एक आता है नॉमिनी डायरेक्टर्स नॉमिनी डायरेक्टर्स क्या है नॉमिनी डायरेक्टर्स का केस मेरा तब आता है कि जब जैसे कि मेरी कंपनी में कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है फ्रॉड हो रहा है तो या तो बाय थर्ड पार्टी अब थर्ड पार्टी कौन हो सकती है मेरे कोर्ट्स हो सकते हैं या कोई क्रेडिटर्स वगैरह जिनके साथ फ्रॉड हुआ हुआ उन्होंने कंट्रोल ले लिया एक तरीके का वो हो सकता है या फिर गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है इसके अलावा मिनिमम डायरेक्टर्स मैंने यहाँ पे बताया है प्राइवेट कंपनी के लिए मेरे को दो चाहिए पब्लिक के लिए तीन चाहिए वन पर्सन कंपनी के लिए एक ही चाहिए क्योंकि नाम ही आ गए सिर्फ एक पर्सन की कंपनी है तो एक ही डायरेक्टर होगा उसके अलावा डायरेक्टर्स की मेरी लिमिट एक बंदा एक बारी में पंद्रह कंपनियों का डायरेक्टर रह सकता है और डायरेक्टर का जितना भी अपॉइंटमेंट है वो मेरा सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर कवर किया हुआ है उसके अलावा रूल रेट ऑफ द कंपनीज़ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स टू के अंडर भी इसके बाद आता है डिक्टो uh, डायरेक्टरशिप्स लिमिट डायरेक्टरशिप्स लिमिट का मतलब कि एक बार में कितनी कंपनीज़ का मैं डायरेक्टर रह सकता हूँ मल्टीपल तो जैसे कि मैंने बताया वो पंद्रह का होता है इन केस मैं पंद्रह से ज़्यादा नहीं करता अगर करता हुआ पाया जाता तो मेरे पे फ़ाइन लगाया जा सकता है पचास हज़ार रुपये का ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट क्योंकि हम लोग सी सी एस एंड कानपुर यूनिवर्सिटी में तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिखोगे उतना बेटर रहता है इसके बाद आती है पावर ऑफ डायरेक्टर अब देखो जो मेरा एक डायरेक्टर है वो एक तरीके की कंपनी को रेगुलेट भी कर रहे हैं वो उसका एक तरीके एजेंट का भी काम करता है ट्रस्टी का भी काम करता है और मेंबर भी होते हैं तो जो उसकी पावर होगी पावर उसमें सादी आ जाती है एक तरीके का वो हेड है तो इसकी जो पावर्स है पावर्स में तीन चार पार्ट में डिवाइड की कि उसकी जनरल पावर्स क्या होती है स्पेसिफिक पावर्स क्या होती है अगर कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट से जो पावर्स मिली है उसमें क्या होती है वो सारी चीज़ें सबसे पहले जनरल पावर उसकी क्या होगी ये सेक्शन 291 में बताया गया द बोर्ड इज़ एंटाइटल टू एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड टू डू ऑल सच एक्ट्स एंड थिंग्स एज द कंपनी इज ऑथोराइज टू डू the exception are the acts which can be done by the company only in the general meetings of the members are जनरल पावर्स में मेरा जो board of directors है वो सारे काम कर सकते हैं जिसके लिए मेरी company बनाई गई है अगर कोई उससे out of box चीज़ करनी है तो उसके लिए जनरल मीटिंग करो जनरल मीटिंग में पास करो एंड वो काम कर लो इसके बाद आती है स्पेसिफिक पावर डायरेक्टर की क्या होगी ये मेरी सेक्शन 262 में आई है और 292 में आई सेक्शन 262 मेरा पब्लिक कंपनीज में जब डायरेक्टर है तब उससे एंड टू नाइन्टी टू जो भी मेरे पावर्स है वो बोर्ड मीटिंग में पास होकर आएंगी जैसे कि डिपेंचर्स कैसे इशू करने हैं कहाँ से मनी लाना है कहाँ से इन्वेस्टमेंट लानी है फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करने हैं लोन्स लेने नहीं लेने वो सारी चीज़ें वो मेरी सेक्शन टू नाइन्टी टू में आई सेक्शन टू सिक्सटी टू बेसिकली अगर मेरे डायरेक्टर की कोई वैकेंसी है उसको फिलअप करने के लिए इसके बाद आती है सब्जेक्ट टू कंसेंट ऑफ द कंपनी अब कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें मेरा कंपनी का मेरे शेयर होल्डर्स का कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो डायरेक्टली कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं ले सकता एक चीज़ समझो कि जो मेरी कंपनी और प्रोप्राइटर फर्म में ये फ़र्क है कि लाइक जो मेरा प्रोप्राइटर फर्म है उसका जो प्रोप्राइटर है वही सारे डिसीजन ले लेगा जबकि इन केस ऑफ कंपनी प्रोपराइटर जैसी पावर तो मेरे पास डायरेक्टर के पास है लेकिन डायरेक्टर है वो आंसरेबल है शेयर होल्डर्स को जबकि प्रोपराइटर में वो सारी चीज़ें खुद कर लेते हैं लेकिन डायरेक्टर को सारी चीज़ें पूछ पूछ के करनी पड़ेगी तो इसमें वो क्या करेगा जैसे कि ऑफिस चेंज करना है मेरे को कोई डेप वेप डायरेक्टर की साइड से कंपनी को उसका क्या करना है सेल प्रोसीडिंग्स का क्या करना है प्रॉपर्टी की ये सारी चीज़ें भी डायरेक्टर कर सकता है लेकिन कंसर्न लेकर शेयर होल्डर्स का इसके बाद डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट से अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखो कब इन्वॉल्व होगी सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी तब इन्वॉल्व होगी सकता है कंपनी में कुछ मिसमैनेजमेंट वगैरह हुआ तो इसके अलग अलग सेक्शंस से में बताया गया कि लाइक अलग अलग केसेस में कब कब सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट किस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगी ये वाला एक बार रीडिंग मार लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है इस यूनिट से दैट विल बी राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर राइट्स एंड ड्यूटीज़ में जैसे कि मैंने पावर में बताया वही चीज़ें हम लोग घुमा के लिखेंगे कि लाइक राइट क्या होगा कि उसे रे रेमरेशन कम्पनसेशन मिलना चाहिए उसको बुक्स का राइट है देखने का मीटिंग्स uh, अटेंड करने का राइट है एंड ड्यूटीज़ क्या हो जाएगी कि लाइक कंपनी की सारी पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करे साउंड वे में काम करे प्रॉफ़िट्स को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करें कंपनी के वेलफेयर का सोचे तो ये सारे तो ये था अबाउट डायरेक्टर्स कंपनी लो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट एंड डू फॉलो एंड लाइक आर चैनल थैंक यू